हाँ भाई साहब, मैं पप्पू मैकेनिक। आज से मैं अपना जनरेटर बनाना चालू कर दिया, इसके मैं यंत्र दिखा रहा हूँ। आज से पहला भाग मैंने चालू कर दिया। पहले भाग में मैंने इतने आइटम लगाऊंगा, देखिए, एक ये गियर, एक गियर ये है जे बॉस, दो गियर हो गए, एक तीसरा गियर और भी है ये है। ये तीनों गियर मेरे जनरेटर में इस्तेमाल होंगे, देख लीजिए बॉस। और फिर इसके बाद तीन गियर का इस्तेमाल होगा इसमें, और तीन गियर के बाद इसमें एक और आइटम लगेगा, वो भाग दो में दिखाऊंगा आपको। पहला भाग मैंने स्टार्ट कर दिया आज से, जो ना डीजल पड़ेगा ना पेट्रोल पड़ेगा इसमें। 1 किलोवाट बिजली लगातार घर में चालू रहेगी। एक आइटम और भी है, वो आपको दिखा रहा हूँ, देखिए बॉस। ये एक पूरा एक पहिया है, ये साइकिल का पीछे का है, ये देख लीजिए बॉस, दिखा रहा हूँ। इतने आइटम और दो और लगेंगे इसमें, एक भी लगा हुआ है, एक और दो पहिए इसके अंदर और लगेंगे। एक व्हील घूमेगा 6 लाख राउंड पे, एक घूमेगा 3 लाख राउंड पे, एक घूमेगा सिर्फ 2500 राउंड पे। ये सब मैं चला के दिखाऊंगा, पूरी बिजली बना के दिखाऊंगा। आज से आइटम लगाना मैंने शुरू कर दिए हैं, पहला भाग स्टार्ट हो गया है। और इसकी लंबाई 10 फीट लंबी होगी, 2 फीट ऊंचाई होगी। अब पेट्रोल डीजल का झंझट मैं खत्म कर दे रहा हूँ। पिछले अनाउंसमेंट में दिखाया था छोटा नमूना, और जो मैं तुम्हें आज के आइटम दिखा रहा हूँ, इसमें 3 पहिए लगेंगे साइकिल के, 3 गियर, 3 फ्री और एक अल्टरनेटर एसी का, और एक इसमें लगेगी मोटर, एक लगेगा स्टार्ट करने के लिए। इंजन लगाऊंगा छोटा सा एक, इससे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। और ये वीडियो को सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि यहाँ पर नुकसान हो जाएगा इसे। ये वीडियो आज से भाग नंबर 1 जनरेटर पकड़ डीजल पेट्रोल का बनना चालू। कल से इसकी वेल्डिंग चालू हो जाएगी, फ्रेम लेके आया हूँ, पूरा फ्रेम बना के और सिस्टम चालू करूँगा इसका। पप्पू मैकेनिक, जिला बरेली, कस्बा बैसपुर। आज से पहला भाग चालू, 5 दिन के अंदर मैं तैयार कर देता हूँ। धन्यवाद।